किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हेतु करेंट अफेयर की सटीक तैयारी के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस वीडियो में हम नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर साप्ताहिक सीरीज के तहत 11 अगस्त से लेकर आज तक यानी कि 20 अगस्त तक के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उन सब का यहां पर एनालिसिस करेंगे। यह जो हमारा साप्ताहिक सीरीज है और आप लोगों के लिए इजी बनाया जा सके, इसीलिए इस सीरीज को हमने सेगमेंट वाइज डिवाइड कर दिया है यानी कि खंड वाइज में तोड़ दिया है, जिसमें सबसे पहला सेगमेंट होगा नेशनल सेगमेंट, उसके बाद इंटरनेशनल सेगमेंट, उसके बाद आपका मिसलेनियस सेगमेंट आ जाएगा और उसके बाद आपका एक सेगमेंट आएगा सवाल सेगमेंट, जिसमें हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे और जो क्वेश्चंस होगा इन्हीं एनालिसिस के आधार पर होगा। यानी कि इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हम एनालिसिस करेंगे इसी टॉपिक के आधार पर आपसे दो इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जाएगा लास्ट में, जिसका जवाब आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है और उस सवाल का जवाब हम अगले वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो पूरा एक कंप्लीट पैकेज देने की कोशिश है नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर के इस वीकली सीरीज में, जिसे अब हमने सेगमेंट वाइज में भी डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो सके। तो चलिए आज का सबसे पहले नेशनल सेगमेंट में जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020। यह सिक्योरिटी पॉलिसी 2020 जो है इस साल के अंत तक आने की संभावना है, इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है और यह जो पॉलिसी होगी वो 5 सालों के लिए पॉलिसी होगी। और अगर प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के तहत काम किया जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम पर जो इम्प्लीमेंट पॉलिसी है वो 2013 का पॉलिसी है और इस पॉलिसी के तहत प्रेजेंट टाइम पर 36 सेंट्रल बॉडीज़ जो हैं वो कार्य कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के तहत। इसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें कि आखिर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की आवश्यकता क्यों है, तो ये खासकर अगर आप देखोगे तो डिजिटल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सुरक्षित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक नया साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर भारत में आया जाए। अगर हम बात करें 2016 के बाद से तो आप देखते हो कि डिजिटल इकोनॉमी में भारत ने काफ़ी विकास किया है और भारत काफ़ी आगे जा रहा है डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में, तो इसीलिए प्रेजेंट टाइम पर यह बहुत ज़रूरी हो जाता है और ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक नया साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर आया जाए। कुछ आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान समय में कुल अर्थव्यवस्था में 14 से 15% तक का जो योगदान है वो डिजिटल इकोनॉमी का है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जो नंबर है 2024 तक 20% तक बढ़ जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है देश में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लाने का, जो कि इस साल के अंत तक आ जाएगी। तो इन कुछ बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है ARIIA रैंकिंग 2020। यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ एक रैंकिंग है जिसका पूरा नाम है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। 2020 का यह रैंकिंग जारी किया गया है और किसके द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया गया है, तो इस रैंकिंग को तो सबसे पहले समझ लीजिए HRD मंत्रालय हुआ करता था जो कि अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। इस मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया जाता है और इस वर्ष इस रैंकिंग की घोषणा की है हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। इस रैंकिंग से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। इस साल 6 श्रेणियों में इस रैंकिंग को जारी किया गया है, पिछले वर्ष 5 श्रेणियों में इस रैंकिंग को जारी किया गया था और इस वर्ष जो है 6 श्रेणियों में इस रैंकिंग को जारी किया गया है। कौन कौन से श्रेणी हैं? सबसे पहला श्रेणी आ जाता है आपका सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस, दूसरा श्रेणी है स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी, तीसरा श्रेणी है स्टेट फाउंडेड ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी, चौथा श्रेणी आ जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो कि सेल्फ फंडेड होते हैं और इसके अलावा पांचवा जो श्रेणी है ये है प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो छठवां कैटेगरी आ जाता है वो है वुमेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो इस साल जो छठवां श्रेणी ऐड किया गया है, जो छठवां कैटेगरी ऐड किया गया है वो वुमेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऐड किया गया है और इसमें अगर हम इस रैंकिंग के अनुसार टॉप रैंक की बात करें तो वो आपका आता है आई
IIT मद्रास। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए इसके अलावा ना एक करंट अफेयर का शो और आता है रात को 9 बजे, दी करंट अफेयर शो, उस शो को भी देखिएगा। डेली एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम रात को 9 बजे एनालिसिस करते हैं, ब्रीफ में होता है, महत्वपूर्ण जानकारी होती है, तो उस शो को भी देखा कीजिए। और साप्ताहिक करंट अफेयर और उस शो को देखने के बाद आपका लगभग संपूर्ण करंट अफेयर की तैयारी, सटीक तैयारी यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद जो तीसरा हमारा आज का टॉपिक है, विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज। पियर ब्रिज का मतलब होता है घाट ब्रिज। घाट ब्रिज कहने का मतलब है कि इस ब्रिज को पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा पियर ब्रिज को घाट ब्रिज कहा जाता है। तो विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? भारत में बनाया जा रहा है, भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज बनाया जा रहा है। इस पुल की ऊंचाई की बात हम अगर करें तो 141 मीटर इसका हाइट होगा, और ये कितना लंबा होगा आने वाले स्लाइड में हम बात करेंगे। यह पुल जो है 111 किलोमीटर जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है और इन क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करेगा। इसके अलावा इस पुल की जो लंबाई है वो 703 किलोमीटर है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर ईस्ट इंडिया में कनेक्टिविटी के तहत देखा जाए तो उस क्षेत्र में रेलवे भी कार्य कर रही है और रोड बनाने का कार्य भी उस क्षेत्र में बहुत तेजी से चल रहा है, ताकि ईस्ट इंडिया को जो है वो मुख्य भारत से जोड़ा जा सके, उस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ताकि वहाँ पर जो टूरिज्म प्लेसेस हैं उसको डेवलप किया जा सके, इसके अलावा वहाँ पर ट्रेड जो है उसको बूस्ट किया जा सके। तो इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ उस क्षेत्र के कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। और इसके अलावा 17 अगस्त 2020 को जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उसी क्षेत्र में 13 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, और इस परियोजना का जो बजट है वो 3000 करोड़ रुपए का है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, इसे लॉन्च किया गया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा। इस चैलेंज का उद्देश्य है देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के तहत उन माइक्रो प्रोसेसर का डिज़ाइन तैयार करना जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहता है, और इस चुनौती की जो पुरस्कार राशि है वो 4.3 करोड़ रुपए की होगी, और छात्र और स्टार्टअप कंपनियां जो हैं इस चुनौती में भाग ले सकती हैं। तो कब से शुरू किया गया है आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कौन से मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप भी इस चैलेंज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के वेबसाइट पर जाकर इस चैलेंज में हिस्सा ले सकते हैं। तो इस चैलेंज से जुड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 के बारे में। इसके बारे में हमने एनालिसिस किया था दी करंट अफेयर शो में, तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ब्रीफ में इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। फिर भी इस टॉपिक को आज मैं यहां पर एनालिसिस करूंगा, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट 2020 के बारे में। तो पहली बार इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा 8 सितंबर 2020 को जो है इस सबमिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। यह जो सबमिट होगा एक वर्चुअल सबमिट होगा, यानी कि ऑनलाइन सबमिट का आयोजन किया जाएगा, और इस सबमिट का उद्देश्य है सोलर एनर्जी को सस्ता बनाने तथा चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो गठन है वो 2015 में किया गया था पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान। 2015 में भारत और फ्रांस ने साथ मिलकर इसका गठन जो है उस वक्त किया था, और इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भारत में ही है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, और यह एक पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में स्थित है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के टोटल जो मेंबर्स कंट्री हैं वो 121 हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक का ब्रीफ एनालिसिस आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, हमने दी करंट अफेयर शो में इसका ब्रीफ एनालिसिस कर रखा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है, और यह 2300 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक का। तो इस टॉपिक को ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर लक्षद्वीप लिखा हुआ है, इसको आप लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह कर लीजिएगा, गलती से शायद लिखा गया है। तो 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच में 2300 किलोमीटर का जलमग्न ऑप्टिकल फाइबर केबल को लॉन्च किया है,
और इससे जो है यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी दी जा सकती है। इससे इस क्षेत्र में इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है, इस क्षेत्र में टूरिज्म को बूस्ट किया जा सकता है, हेल्थ सेक्टर को बूस्ट किया जा सकता है, ई गवर्नेंस को बूस्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, यहाँ पर 4G नेटवर्क मिल सकेगा। तो जैसे भारत के बाकी क्षेत्रों में जितने फ़ायदे होते हैं, तो इस क्षेत्र में भी अब उसी प्रकार से फ़ायदा होगा। और 2300 किलोमीटर का यह जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है, वो कुछ इस प्रकार से रहता है। समुद्र के अंदर में ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए चेन्नई से लेके पोर्ट ब्लेयर तक इसको बिछाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी 12 बड़े द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो पोर्ट ब्लेयर से 12 द्वीपों तक भी इसको बिछाया जाएगा। और इसकी जो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक की जो स्पीड है वो है 400 गीगावाइट, और जो पोर्ट ब्लेयर से बाकी द्वीपों पर जो स्पीड जाएगी वो स्पीड होगी 100 गीगावाइट की। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। दी करंट अफेयर्स शो में हमने इसको भी एनालिसिस किया था, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और सुरेश रैना भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज संन्यास ले चुके हैं। 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया 7:29 पर। यह टाइम बहुत न्यूज़ में रहा है, तो इसीलिए यह टाइम आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर हम जान लेते हैं, क्योंकि बहुत अधिक चांसेस बन जाते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न बनने का। तो इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1981 को। इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर की शुरुआत इन्होंने 2004 में की बांग्लादेश के विरुद्ध। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने लगभग 16 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में कुल 90 टेस्ट मैच खेले, 350 ODI, इसके अलावा 98 T20 मैचेस भी खेले। और इस दौरान इन्होंने टेस्ट में लगभग 4876 रन, ODI में 10773 रन और T20 में 1617 रन बनाए। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने सीमित ओवर के जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे एक दिवसीय वर्ल्ड कप हो, इन तीनों में भारत को विजेता बनाया है। 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में एक दिवसीय वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी दिलाने वाले इकलौते कप्तान हैं। सीमित ओवर में तीनों प्लेटफॉर्म पर ट्रॉफी दिलाने वाले इकलौते कप्तान हैं और दुनिया के सबसे सफलतम कप्तानों में धोनी का नाम शुमार है। ये सारी बातें आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, धोनी कितने महान क्रिकेटर हैं ये सब हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सुरेश रैना के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ 27 नवंबर 1986 को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत किया इन्होंने 2005 में श्रीलंका के विरुद्ध। इन्होंने अपने लगभग 15 वर्ष के क्रिकेट कैरियर में, अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में टोटल 18 टेस्ट मैच खेले, 216 यहां पर ODI और 78 लगभग इन्होंने T20 मैचेस खेले। इस दौरान इन्होंने टेस्ट में 768 रन, ODI में 5615 रन और T20 में कुल 1604 रन बनाए। तो इस प्रकार से सुरेश रैना के बारे में भी आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। राकेश अस्थाना, जिनको कि BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना जो है गुजरात कैडर के 984 बैच के IPS ऑफिसर हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि ये भारत के सीमाओं की सुरक्षा करती है और इसे भारतीय क्षेत्र की सीमा सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में भी कहा जाता है। BSF की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 को किया गया था, जिसका उद्देश्य था देश के सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। और इससे रिलेटेड सवाल वाले सेगमेंट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आप लोगों को दूंगा, तो उस सवाल को आप लोग अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। लेकिन फिर भी यहां पर एक सवाल आप लोगों को और मैं देकर जाता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर कहां है, यानी कि मुख्यालय कहां है, इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। चलिए इसके बाद जो सेकंड अपॉइंटमेंट है वो है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक को हाल ही में मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये गोवा के राज्यपाल के रूप में थे, लेकिन अब जो है भगत कोश्यारी को महाराष्ट्र के साथ गोवा का जो है कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक 2018 और 19 के बीच में ये जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल रह चुके हैं, और जब जम्मू कश्मीर से 370 को रिवॉक किया गया था तो उस समय वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। यहाँ पर अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, राज्यपाल के पावर्स की बात करें, तो
ये आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 162 तक में उल्लेखित है, जिसमें राज्यपाल के अपॉइंटमेंट्स, पावर्स और इनके कार्यकाल पर चर्चा किया गया है। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद आ जाता है हमारा अगला सेगमेंट, इंटरनेशनल सेगमेंट। इंटरनेशनल सेगमेंट में सबसे पहला टॉपिक है इसराइल यूएई शांति समझौता। इसराइल और यूएई के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टैब्लिश हो चुका है। डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टैब्लिश होने का मतलब ये है कि इसराइल और यूएई के बीच में अब ट्रेड हो सकेगा, टूरिज्म प्लेसेस पर आया जाया जा सकेगा एक दोनों देशों के बीच में, एनर्जी रिसोर्सेज का आदान प्रदान किया जा सकेगा, वेपन्स यूएई खरीद सकता है इसराइल से। तो कहने का मतलब ये है कि इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच में अब डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो शुरू हो सकेगा। और यह शांति समझौता इसराइल के साथ करने वाला यूएई जो है वो पहला खाड़ी देश बन जाएगा। और इस समझौते को अब्राहम समझौता भी कहा जाएगा। अब्राहम समझौता इसीलिए क्योंकि अब्राहम की तीन प्रमुख अब्राहमिक धर्मों, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन दोनों कंट्री से संबंधित है, इसीलिए इसे अब्राहम समझौता भी कहा जाएगा। और इसराइल के साथ शांति समझौता करने वाला यह तीसरा देश होगा। इससे पहले इसराइल और मिस्र शांति समझौता कर चुके हैं 1979 में, और जॉर्डन के साथ में समझौता हुआ था इसराइल का 1994 में। और अब यूएई तीसरा ऐसा कंट्री बन गया है जिसने इसराइल के साथ में शांति समझौता किया है। आप यहाँ पर इसराइल का मैप देख सकते हो। दी करंट अफेयर शो में हमने कई बार इसराइल और यूएई से संबंधित करंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, और इसके पूरे मैप पर हमने ब्रीफ से एनालिसिस किया है, यूएई के बारे में भी किया है और इसराइल के बारे में भी किया है। तो ब्रीफ एनालिसिस के लिए दी करंट अफेयर शो से जरूर जुड़े, वहां पर आपको इन कंट्रीज के बारे में ब्रीफ में पढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है वो है कमला हैरिस के बारे में। कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, और ये न्यूज़ में इसीलिए हैं कि अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा इन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया गया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि इसी साल नवंबर दिसंबर में अमेरिका में चुनाव होना है, और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं वो जो बाइडेन हैं, और उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं वो भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कमला हैरिस होंगी। और ये भारतीय मूल की पहली महिला होंगी जिन्हें अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया है। और अगर ये उपराष्ट्रपति बन जाती हैं तो भारत और अमेरिका के रिलेशंस काफ़ी इम्प्रूव होंगे, यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो पूरे भारत की तरफ से ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार वहाँ पर बनती है तो इससे भारत को काफ़ी फायदे होंगे। और भारत को किस प्रकार से फायदे होंगे, किस प्रकार से नुकसान होंगे, इन सारी चीज़ों का ब्रीफ एनालिसिस फिर कभी हम करेंगे जब इलेक्शंस हो जाएगा, उसके बाद ब्रीफ एनालिसिस इस टॉपिक पर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद आ जाता है मिसलेनियस सेगमेंट। नेशनल सेगमेंट हो गया, इंटरनेशनल सेगमेंट हो गया, और अब मिसलेनियस सेगमेंट। तो मिसलेनियस सेगमेंट में सबसे पहला टॉपिक आ जाता है राहत इंदौरी। 11 अगस्त 2020 को भारत के प्रसिद्ध उर्दू शायर, मशहूर शायर हैं और कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं, गीतकार भी रह चुके हैं, इनका 70 वर्ष के उम्र में निधन हो गया। इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उर्दू शायर वो शायरी के लिए राहत इंदौरी को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो राहत इंदौरी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित किए गए अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में है। इनका दूसरा पुण्यतिथि हाल ही में मनाया गया। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, और मृत्यु 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष के उम्र में हुआ था। तो इसी वर्ष 16 अगस्त को इनकी दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ बातें यहाँ पर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानते हैं कि इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस प्रकार से रहा। तो ये हमारे देश के तीन बार प्रधानमंत्री बने। सबसे पहली बार सिर्फ 13 दिनों के लिए ये प्रधानमंत्री बने, दूसरे बार में ये 13 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने, और तीसरी बार में 1999 से लेकर 2000
चार तक यानी कि 5 सालों का कार्यकाल पूरा कर पाते हैं तीसरी बार में। तो ये 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं भारत के, कब कब बने इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मैं आप लोगों से सवाल सेगमेंट में पूछूंगा, तो उसका जवाब भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उसका हम एनालिसिस अगले वीडियो में जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हैं। तो सबसे पहला डेज आता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, और युवा दिवस मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य आप जान सकते हो। और इस वर्ष का 2020 का थीम है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यानी कि यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा दिसंबर 1999 में की गई थी, और पहली बार 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया था। ये हो गया इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में। आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, अगले वीडियो में इसका आंसर मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक। चलिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो है विश्व हाथी दिवस, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है कब, 12 अगस्त को ही। और इससे पहले क्या मैंने बोला, इंटरनेशनल यूथ डे भी कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को ही, ठीक है। दोनों को ध्यान रखिएगा, 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। और अगर हम इंटरनेशनल हाथी डे की बात करें यानी कि एलिफेंट डे की बात करें, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है खासकर एशिया और अफ्रीका के लिए, क्योंकि विश्व की सर्वाधिक जो हाथियाँ हैं यहीं पाए जाते हैं, और इसका उद्देश्य जो है एशिया और अफ्रीका के हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना है, ठीक है। पहली बार 12 अगस्त 2020 को जो है अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है। और भारतीय हाथी एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियों में से एक है, इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में। और यह हाथी जो है मुख्य रूप से एशिया में पाया जाता है। वर्ष 2011 में भारतीय हाथी को सरकार ने राष्ट्रीय विरासत के रूप में घोषित किया था, यानी कि दर्जा दिया था। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में अभी वर्तमान समय में 101 एलिफेंट कॉरिडोर है, और इसे और भी बढ़ाया जा रहा है, यानी कि और भी एलिफेंट कॉरिडोर जो है वो बनाया जा रहा है। इसके बाद इस वीकली सीरीज में जो हमारा लास्ट का सेगमेंट है वो है क्वेश्चन सेगमेंट, यानी कि सवाल खंड। और सवाल खंड में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 2014, 2015, 2016, 2017। नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कौन सी सुरक्षा एजेंसी गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब जरूर दीजिएगा। व्हाट इज सिक्योरिटी फोर्स, BSF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, या फिर ऑल ऑफ दी एवर। दोनों क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीकली सीरीज में फिलहाल इतना ही, अगले सीरीज में मिलेंगे और इन क्वेश्चंस का एनालिसिस भी हम अगले सीरीज में करेंगे। वीडियो पसंद आने पे आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।